जनरल हिंदी फॉर यूपी टेट सीटेट प्राइमरी एंड जूनियर लेवल्स एंड यूपी प्राइमरी टीचर इक्विपमेंट टेस्ट एंड अदर पेंडिंग एग्जाम के लिए, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी बी डी ओ एस एस सी एंड लेखपाल एंड बैंकिंग वगैरह, जहाँ भी मतलब हिंदी का यूज़फुल होता है तो अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो टॉपिक चल रहा है हमारा समास, समास का वीडियो नंबर है 2। ठीक है, तो पहली वीडियो में समास की परिभाषा हो चुकी है एंड उसके भेद यानी कितने टाइप्स की होते हैं। तो वीडियो नंबर 2 में हम दे रहे हैं पहला टाइप यानी कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? ठीक है, तो 6 भेद हैं। 6 भेद का पहला टाइप, फर्स्ट टाइप है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास यानी कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, ठीक है ना, पहला पद क्या हो, अव्यय हो, वह अव्यय भाव समास कहलाता है। अव्यय भाव समास कहलाता है, अव्यय भाव समास कहलाता है, ठीक है, अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे अब इस पे एग्जांपल देने हैं, अव्यय भाव कैसे होगा, जैसे प्रति क्षण जो में प्रति जो है वो अव्यय है, ठीक है, प्रति क्षण में प्रति अव्यय है। यथाशक्ति इसका अर्थ बनेगा शक्ति के अनुसार। इसमें जो है यथा अव्यय है, अव्यय मतलब अलग सा वर्ड, ठीक है। दूसरा है यथामति, मति के अनुसार, मति यानी बुद्धि के अनुसार, यथामति, इसमें भी यथा अव्यय है। जो ब्रैकेट में लिखा है वो अव्यय है। यथाविधि यानी कि विधि के अनुसार, विधि के अनुसार कोई कार्य किया, तो यहाँ पे भी यथा जो है क्या है, अव्यय है। उसके बाद आता आमरण यानी कि मरण तक, ठीक है, मरण तक यानी कि मरने तक। तो इसमें जो आ है वो क्या है, यहाँ पे अव्यय है। नेक्स्ट देते हैं, आमरण हो चुका है। हर समय में यानी कि जो हर है वो यहाँ पे अव्यय है। बीचों बीच इसमें जो है अव्यय है, बीच, बीचों बीच में अव्यय यहाँ पे बीच आता है। और नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, नेक्स्ट है आजीवन। आजीवन यानी कि जीवन भर, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, अव्यय आ हो जाएगा जो स्टार्टिंग में लगा है, ठीक है। आजीवन यानी कि आगे आता है आजन्म यानी कि जन्म भर में अव्यय है आ। उसके बाद होता है जैसे भर पेट, तो इसको कहेंगे पेट भरकर, तो ठीक है, पेट भरकर, तो इसमें अव्यय होता है भर, यहाँ पे अव्यय है। प्रति क्षण माने कि क्षण क्षण अर्थ निकलता है, क्षण क्षण, और अव्यय होता है इसमें प्रति। एंड नेक्स्ट बनता है प्रतिदिन का अर्थ निकलता है दिन, और अव्यय होता है इसमें प्रति, ठीक है।
उसके आगे आता है पॉइंट प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एक पॉइंट और है, ठीक है, तो उसमें भी अव्यय है। प्रत्यक्ष देखिएगा, ये भी अव्ययभावी समास है। प्रत्यक्ष में यानी कि आँखों के सामने, प्रत्यक्ष का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है आँखों के सामने, इसमें अव्यय है प्र, प्रति है। प्रत्यक्ष में जो अव्यय होता है प्रति होगा, प्रति इसमें अव्यय हो जाएगा। प्रत्यक्ष यानी कि सामने का मतलब होता है आँखों के सामने, तो उसमें अव्यय जो बनेगा वो बनेगा प्रति। तो इस प्रकार ये जो है सब अव्ययभावी समास हैं, सब में अव्यय लगा है, यानी कि अलग सा वर्ड जिसका कोई उसमें मीन्स नहीं है, ठीक है। जैसे भर पेट है, पेट भर कर है, आजन्म है, जन्म भर है, पर आ गया है, आजीवन है, आ, तो जो अलग सा वर्ड है वो है अव्यय, ठीक है, परंतु उसका जो अर्थ वो बना रहा है, यानी एक ही लैंग्वेज बना रहा है, एक ही अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए वो समास भी बना हुआ है।